गुड मॉर्निंग, और आप सबका अनिल कुमार एके ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फ्लैट का, और फ्लैट में ये 3 BHK फ्लैट है जो कि यह अराजन में है, और मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कितना अच्छा जगह है। और यहाँ पे खेती गृहस्थी सब होता है, और सामने ही फ्लैट है, ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं होगा, यहाँ पर सब कुछ है। तो मैं अभी दिखाता हूँ बैक कैमरा से, देख सकते हैं यहाँ पर खेती गृहस्थी होता है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये खेती हुआ है, और आप बिल्डिंग देख सकते हैं। और फ्लैट के अंदर के मैं दिखाऊंगा कि 1 3 BHK है, तो इसमें क्या क्या है। ये रहा फ्लैट, और ये बालकनी है। अब बैक से दिखा देता हूँ, ये बालकनी है काफ़ी अच्छा, और ये नया फ्लैट बना हुआ है, और ये हॉल है। आप देख सकते हैं करीबन ये हो गया है 2 4 6 8 10 12 13 13 फीट चौड़ाई है, और लंबाई इसका माप लेते हैं 4 4 8 4 12 4 16 फीट लंबाई है। ये है आपका हॉल। हॉल के सामने एक बेडरूम है जो कि ये हॉल है, और इसी के सामने ये बेडरूम है। तो बेडरूम भी आपको दिखा देता हूँ, करीबन 12 बाई 10 का बेडरूम है, और इसके सामने एक छोटा सा बालकनी है। इसके सामने ही एक छोटा सा बालकनी है जो कि हवा आ सकता है, यहाँ से हवा आने जाने के लिए है। और यहाँ पे एक खिड़की दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ भी गांव है, पूरा गांव इलाका है, ये पूरा गांव इलाका है। सामने एक मंदिर भी है, ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं दूसरी जगह हैं, और बहुत ही मस्त जगह है। तो मैं इसमें बेडरूम के साथ एक टॉयलेट भी दिया हुआ है, समाज बाथरूम दोनों दिया हुआ है, जिसमें देख सकते हैं। इसमें टाइल्स भी लगी हुई है, ये वाइट टाइल्स है, और यहाँ ब्लैक का पैथन दिया हुआ है, एक पैथन लगा हुआ है यहाँ पे जो कि हाइलाइटर है, हाइलाइटर आप देख सकते हैं। और ये इंग्लिश टब दिया हुआ है, ये इंग्लिश टब है, और यहाँ साथ में बेसिन भी दे दिया, यहाँ पुश करने के लिए बटन दिया हुआ है, और शावर भी दिया हुआ है, ऊपर लाइट भी ऊपर ही लगा हुआ है। यहाँ जो भी लगा हुआ है बाथरूम में, मार्बल का दरवाज़ा लगा हुआ है, और मेन गेट जो है वो लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है। और ये रहा सामने किचन, ये था स्टोर रूम, तो स्टोर रूम को तोड़ दिया गया है, स्टोर रूम था ये, और यहाँ पे एक छोटा सा कपाट बना हुआ है, ये स्टोर रूम था, तो इसको तोड़ दिया गया है। अभी यहाँ पे प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है, और ये किचन था, किचन के ऊपर टाइल्स लगाना है, और किचन ये ब्लैक में था, अभी इस किचन नया किचन बनाएंगे। अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये वाला जो किचन है, इसे हम निकाल देंगे और फिर नया किचन बनाएंगे, जो कि यहाँ पत्थर रखा हुआ है, वाइट वाला है, तो वाइट वाला पत्थर लगा के और बनाएंगे। और ये देखिए कि सामने ये वाला हॉल हो गया, उसके सामने ये बेडरूम हो गया, जो दरवाजा खुला है बेडरूम हो गया, और यहाँ पे किचन हो गया, तीनों एक साथ में, और साथ में यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम दोनों चल रहा है। ये इससे थोड़ा उससे बड़ा है, बेडरूम वाले से ये थोड़ा बड़ा है, और इसमें दो ही पैथर का टाइल्स लगा। दूसरा रूम है, दूसरा रूम भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर बेड वो टॉयलेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं सब कुछ, यहाँ भी दिख सकता है, और यहाँ से ये बालकनी है, बालकनी आप देख सकते हैं कि बालकनी कैसा है। बालकनी के सामने एक टावर आप देख सकते हैं, टावर कैसा दिख रहा है, ये टावर है, 13 माले का टावर है, और सामने वो काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है अभी नया, और शायद यहाँ से मंदिर भी दिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, मेरा मंदिर। ये हो गया 2 बेडरूम, और अब तीसरे बेडरूम में चलते हैं, तीसरे में क्या है। तीसरा भी लंबाई चौड़ाई काफ़ी अच्छा है, और टाइल्स आप देख सकते हैं, टाइल्स मस्त लगा हुआ है, अच्छा है सब कुछ, और कलर तो किया नहीं है, पीला पुट्टी मार के छोड़ा हुआ है इसमें। और इसके इसके साथ जो तीसरा है, और पहले वाले में 2 बेडरूम में तो टॉयलेट दिया हुआ है, और इसमें भी दिया हुआ है 2 में, इसमें भी आप देख सकते हैं सेम वैसा ही है, मस्त है, 3 BHK काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। आपको कैसा लगा आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। जैसे किचन में काम करते हैं तो हम लोग हाथों धोने के लिए यहाँ पे बेसिन बना हुआ है, अरे किसी ने तोड़ दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे सामने ही चौकड़ी दिया हुआ है जो कि फ्री है, और इसमें भी फुल टाइल लगा हुआ है, यहाँ जैसे वाशिंग मशीन रख सकते हैं, और यहाँ गीजर लगाने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, ये गीजर का लाइन है,
गर्म पानी आने के लिए, और यहाँ दो नल लगा हुआ है, यहाँ पे दो नल लगा हुआ है। काम चालू हो रहा है किचन बनाने का, और ये ग्रीन सिटी के बाजू में है मकान और अपार्टमेंट है जो कि बिल्डिंग है, और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किचन यहाँ पे बनाना है और बहुत ही अच्छा है। पहले बना हुआ था ब्लैक पत्थर में, अभी ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्लैक पत्थर में बन रहा है, बना हुआ था, और इसे तोड़ के हम नया बनाएंगे। पहले से सादा किचन बना हुआ है ब्लैक पत्थर में और काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। इसके नीचे कोई भी स्टैंड नहीं बना है, हम इसे में स्टैंड भी लगाएंगे और पत्थर भी हमें चेंज करना है और ऊपर टाइल्स भी लगाना है। ये सब तोड़ तार के पहले से रेडी कर दिया गया है। अभी किचन तोड़ के हम लोग कौन सा पत्थर लगाने वाले हैं, नीचे के साइड में ये वाला पिंक मार्बल है, तो पिंक मार्बल अभी लगेगा नीचे, और इटालियन वाइट है जो आप देख सकते हैं कि इटालियन वाइट मार्बल है, और ये काफ़ी अच्छा होता है और चमकीला एकदम फर्स्ट क्लास दिखता है, ये महंगा पत्थर आता है ये सब, ठीक है। तो इसका किचन बनेगा और कैसे बनता है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमने किचन जो बना हुआ था ब्लैक पत्थर में, वो किचन हमने तोड़ तार के यहाँ से साफ कर दिया है, और अब इस पर बनेगा फुल टू वाइट किचन, एल टाइप में है, और हमने पूरा पत्थर ब्लैक पत्थर जो है वो हमने अच्छा निकाला है। ये दो स्टैंड था, एक ये स्टैंड है और एक इसके ये वाला स्टैंड है, दो स्टैंड है और दो पत्थर है जो कि ऊपर ग्रेनाइट था, ब्लैक ग्रेनाइट, तो वो हमने निकाल दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये है प्लान, आर्किटेक्ट का प्लान है, और आर्किटेक्ट के प्लान के हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये अपना किचन का डिज़ाइन है, जो कि किचन ये बनेगा जो हिसाब से ये दिया गया है उस हिसाब से बनेगा, और ये आर्किटेक्ट प्लान से बनेगा किचन, ठीक है। तो अभी किचन कैसा बनने वाला है वो मैं आपको दिखा दूंगा। किचन बनना चालू हो चुका है, ये ओटली हमने बना दिया है, अभी ओटली के बाद स्टैंड खड़ा करेंगे, फिर प्लेटफार्म खड़ा होगा, और मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे काम हो रहा है। किचन बना लिया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसा बन गया है, अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। यह आर्किटेक्ट प्लान के हिसाब से किचन बन रहा है, चार ही स्टैंड का प्रयोग किया गया है, एक तो यहाँ पर्दा लगेगा वहाँ पे, एक बीच में, वो दो बीच में है, आप देख सकते हैं कोने के साइड में दो बीच में है, और एक ये लास्ट में, और ये करीबन 7 फीट ऐसे लंबा है और 4 फीट ऐसे लंबा है। तो अभी ये सादा सिंगल पत्थर रखा हुआ है, डबल पत्थर वाइट वाला आने वाला है, तो हल लगेगा वो, अभी हमने बॉन्डेड मार के इसको चिपका दिया है सपोर्ट के लिए, नीचे पट्टी भी लगा हुआ है। अब कल इसको फाइनल करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। ये पूरा दीवार अभी खाली पड़ा है और इस पर टाइल्स लगेगा, छोटी छोटी टाइल्स आएगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा आने वाला है। ये अभी हमने वाइट पत्थर का कटिंग कर दिया है और एल टाइप में है, तो ऊपर रखेंगे ये वाइट वाला पत्थर, और रेती डाल दिया, इसमें सीमेंट भी मिक्स कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, और ये टॉप लगने के बाद ये कैसा दिखेगा। अभी हमने वाइट वाला पत्थर रख दिया है, और आप देख सकते हैं कि बेजिंग ब्लैक में रखा हुआ है, या आप देखिए कितना मस्त लग रहा है वाइट पत्थर में। ये हमने स्पेस जो रखा है वो 2.5 इंच का रखा है, 2 इंच का, और 2.5 इंच का सामने से पट्टी आएगा, और ये ब्लैक सिंक है जो ऑनलाइन से मंगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कितना मस्त लग रहा है। ये सैंडविच किचन है, सैंडविच में मतलब सादा किचन है ये, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ काम कर लिया है, और किचन बनाने का काम अपना थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब इस पे लगेगा टाइल्स, और वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है ये किचन कंप्लीट होने के बाद। देखिए पूरा वाइट में ही बना है, ये देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। और ये है पनियारा, जहाँ मटका रख के आप पानी रख सकते हैं, और ऊपर जो दिया हुआ है वो फिल्टर के लिए दिया हुआ है, और अब लगाएंगे इसके ऊपर टाइल्स। में दिखाया गया है सेम ऐसा ही बना है, ये है किचन का प्लान, और ये ऊपर वाला दिखा रहा हूँ कि ये ऐसा बना है किचन टोटल, ये आर्किटेक्ट के प्लान के हिसाब से बन रहा है काम, जैसा उस पोस्टर में दिखा था वैसा ही है कि ये सीधा लंबा है, और ये बेसिन की तरफ है आधे में। अभी हमने टाइल्स लगाना चालू कर दिया है, आप देख सकते हैं कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए कैसे टाइल्स लग रहा है, और फाइनल होने के बाद कैसा लगेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। यह भी टाइल्स लगाना चालू किया है हमने, देखिए टाइल्स के साथ, अच्छी लग रही है ना टाइल्स, आप कमेंट में जरूर बताना कि ये टाइल्स कैसा लग रहा है, और मैं पूरा लगाने के बाद आपको दिखाऊंगा ये किचन पे वाइट किचन पे ग्रीन टाइल्स कैसा लग रहा है। अभी ये टाइल्स हमने लगा दिया है इसका, और ये थोड़ा
इस दीवार में थोड़ा थोड़ा टाइल्स बाकी है, ये भी अभी कंप्लीट कर देंगे।